नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देवेश्वर उपाध्याय। एक लंबी गहमा गहमी के बाद जो बाइडेन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति का पद संभालते ही बाइडेन ने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो वो है डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलटने का आदेश। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही दिन कई फैसलों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें अगर कोई फैसला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो वो है मुस्लिम ट्रैवल बैन को खत्म करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके तहत कुछ मुस्लिम देशों और अफ्रीकी देशों के अमेरिका में ट्रैवल पर रोक लगा दी थी, या यूं कहें कि अमेरिका की यात्रा की अनुमति नहीं थी। मुस्लिम ट्रैवल बैन के तहत 7 इस्लामी मुल्कों के लोगों को अमेरिका में यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन 2017 के इस फैसले को अब पलट दिया गया है। इस पर सोशल मीडिया के माध्यम से कई मुस्लिमों ने खुशी जताई है तो वहीं कई लोगों ने जो बाइडेन पर सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कैपिटल हिल के सामने जुमे की नमाज पढ़ते हजारों मुसलमानों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कैपिटल हिल के सामने मुस्लिमों की ओर से नमाज पढ़ी जाने की तस्वीरों के बारे में दावा किया जा रहा है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद आए पहले शुक्रवार को ऐसा हुआ। रविंद्र भारतीय नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि जो बाइडेन का नया अमेरिका कैपिटल हिल के सामने जुमे के दिन। इसी तरह सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे अमेरिका में बदली सत्ता के बाद का प्रभाव बताया है और लिखा है कि मुस्लिम अब खुलेआम कैपिटल हिल इमारत के सामने हजारों की संख्या में नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने इसे शेयर करते हुए अमेरिका में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर भी आवाज उठाई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद कैपिटल हिल के सामने मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो कब और क्या है इस तस्वीर की पूरी सच्चाई? इन सारे सवालों को जानने के लिए हमने पड़ताल की तो पता चला कि जो तस्वीर शेयर की जा रही है वो एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब 25 सितंबर 2009 को इस्लाम ऑफ कैपिटल हिल नमाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजकों का दावा है कि वो अमेरिका के मुस्लिमों और नॉन मुस्लिमों के बीच एकता बढ़ाने और उनके साथ मिलकर काम करने के उद्देश्य से इसे आयोजित किया गया। इस्लाम ऑन कैपिटल हिल नाम के इस कार्यक्रम की तस्वीरें उस दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद हैं। इस तरह की एक तस्वीर गेटी इमेज सर्विस पर भी है, जिसे फोटोग्राफर अलेक्स वोंग ने लिया है और उस पर भी 2009 की वही तारीख अंकित है। न्यू जर्सी के एलिजाबेथ में स्थित दारुल इस्लाम मस्जिद ने इसका आयोजन किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आपसी सहयोग के लिए दिए गए एक भाषण से प्रभावित होकर ऐसा किया था। यानी कि साफ है कि जो तस्वीर वायरल हो रही है वो हाल फिलहाल की नहीं है और ना ही इस तस्वीर का बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से कोई रिश्ता है। इसलिए तस्वीर तो ठीक निकली, लेकिन इसके पीछे जो दावे किए जा रहे हैं वो एकदम फर्जी साबित हुए हैं। वीके न्यूज की मुहिम फाइटिंग अगेंस्ट फेक न्यूज जारी है। अगर आपके पास भी इस तरह कोई वीडियो या तस्वीर हो जिस पर आपको शक हो, उसे हमारे साथ साझा करें, हम उसकी पड़ताल करके सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।